नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघा सुरोलिया पेश करती हूँ अब तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर महानगर से। अर्जुन चौरसिया की मौत के मामले में पुलिस अब कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है। पुलिस की ओर से 3D मैपिंग के जरिए इलाके की तस्वीर ली गई, साथ ही इलाके में लगाए गए CCTV कैमरे की भी जांच हो रही है। दरअसल शुक्रवार को भी अर्जुन की मौत को लेकर पूरा इलाका उत्तेजनात्मक और गमगीन रहा। काशीपुर के भाजपा कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की मौत का मामला दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। इस दिन कमांड हॉस्पिटल में लगभग 3 घंटे तक अर्जुन के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार अर्जुन का शव इस दिन सुबह आरजी कर अस्पताल से निकलकर कमांड हॉस्पिटल ले जाया गया। कमांड हॉस्पिटल में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होने से भाजपा नेताओं में संतुष्टि जाहिर की। इस दौरान एम्स कल्याणी के विशेषज्ञ डॉक्टर भी मौजूद थे। पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई और इसके बाद शव को भाजपा मुख्यालय और अर्जुन के घर ले जाया गया। वहां अंत में नीम तल्ला घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तूफान के असर से बंगाल में बारिश के आसार दिख रहे हैं। मछुआरों को गहरे समुद्र में जाने से मनाही की गई है। वहीं दीघा और दक्षिण 24 परगना के जो समुद्री इलाके हैं, वहां पर लगातार प्रबंधन की ओर से घोषणाएं की जा रही है, साथ ही प्रशासन भी अलर्ट पर है। न्यू टाउन थाना अंतर्गत चंडीबेड़िया इलाके में एक 6 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न के मामले में मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। न्यू टाउन थाना पुलिस का कहना है कि 6 साल की बच्ची के साथ किराए में रह रही एक महिला अपने पति के साथ काम पर गई थी। उसी दौरान मकान मालिक ने इस मौके का फायदा उठाया और उसके साथ गलत हरकत की। अभियोग एटाई जे आमार बाड़ी वाला छेले आमार मेटार साथे एरकम एकटा नोंरा काज करेछे, सेटा निये आमरा डाक्तारे प्रथमे जाई, सेखान दिये ओनारा थानाते पाठाय, सेखान थेके एइसब কেস কামারি হয়। দিয়ে অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়েছে, বাট এখানে অনেক রকম সিচুয়েশন হচ্ছে, পার্টি পলিটিক্স কিছু ব্যাপার হচ্ছে, আমাদেরকে পিছন দিক দিয়ে মানে ব্যাক সাইড দিয়ে বলা হচ্ছে যে জিনিসটাকে টাকা পয়সা দিয়ে সমঝোতা করে নিতে, কম্প্রোমাইজ করে নিতে। আমরা সেটা চাই না, আমি চাই আমার মেয়ের যথাযথভাবে মানে এ হোক, জিনিসটা অন্যায়ের বিচার হোক। আইয়ে দেখতে হ্যাঁ জিলো কা ক্যা হ্যায় হাল। हावड़ा को मिल रहा है 60 मिलियन गैलन पानी। कई इलाकों में पेयजल की बर्बादी भी हो रही है। वहीं घरों और फ्लैटों को चिन्हित कर की जाएगी जल्द कार्रवाई, ये कहना है हावड़ा नगर निगम के उप चेयरमैन सैकत चौधरी का। गत कुछ दिनों पहले हावड़ा में तेज गर्मी के कारण कुल 4 से 5 लोग की मौत हो गई। ऐसे में हावड़ा नगर निगम पेयजल को लेकर किसी प्रकार की कोई कोताही बरतना नहीं चाह रहा, इसलिए लगातार कई पंप इलाकों का निगम दौरा कर रहा है। और इस दौरान उपाध्यक्ष सैकत चौधरी के नेतृत्व में भी एक टीम पौधोपुकुर प्लांट में पानी की जांच करने पहुंची। पड़ोसी को डराने के लिए रिश्ना में लगा दिया गया माओवादी पोस्टर। जी हां, पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया है। पड़ोसी को डराने के चक्कर में रिश्ना के युवक को हवालात की हवा खानी पड़ी है। दरअसल राजेंद्र आइच की माने तो पड़ोसी के साथ उसका लगातार विवाद चल रहा था, जिससे वह काफी परेशान था और पड़ोसी को डराने के लिए उसने दीवार पर माओवादी पोस्टर लगाया। देश दुनिया की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, स्कूली बच्चों के लिए हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम विकसित किया जाए। आज का राशिफल। आज का राशिफल। राष्ट्रीय तिथि 18 बैसाख सके 1944, विक्रम संवत 2079, बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी। मेष राशि, कोई पारिवारिक समस्या चिंता का कारण बन सकती है, तनाव मुक्त रहते हुए धैर्य से काम ले। वृष राशि, कोई सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है, पुराने इष्ट मित्रों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। मिथुन राशि, कई पारिवारिक प्रयास में सफलता संभव है, घर परिवार के साथ खान पान के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। कर्क राशि, शारीरिक थकान का अनुभव कर सकते हैं, मानसिक शांति बनाए रखते हुए विश्राम करना लाभदायक रहेगा। सिंह राशि, चिंता कारक स्थिति बन सकती है और कोई भी निर्णय सोच समझकर अपनों के राय परामर्श में लें। कन्या राशि, अवसर प्रदान करने वाला दिन हो सकता है और कोई रुका काम थोड़े प्रयास से संभव है। तुला राशि, किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात संभव है। वृश्चिक राशि, सामान्य दिन बने रहने की आशा है, मन में कभी कभी उत्साह का भी अनुभव कर सकते हैं। धनु राशि, दिन परेशानी भरा हो सकता है, क्रोध पर नियंत्रण रखें। मकर राशि,
राशि, कोई रुका हुआ काम किसी आत्मी के सहयोग से संभव है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए मानसिक शांति बनाए रखने की चेष्टा करें। मीन राशि, आमोद प्रमोद में दिन व्यतीत होने की आशा है, पुराने इष्ट मित्रों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए नमस्कार।